हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल। नो इंक वनली थिंग अर्थात अनुमान विधि से वर्गमूल निकालना हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इसमें एक नोटेशन है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 एवं 8 से शुरू हो तो उसका पूरे पूरे वर्गमूल नहीं निकलता। मतलब जिसका भी इकाई अंक 2, 3, 7 एवं 8 से शुरू हो तो उसका पूरे पूरे वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे कि देख लीजिए, इकाई अंक देखना है तो भारतीय दार्शनिक प्रणाली के अनुसार संख्या को तो पढ़ते हैं हम राइट से लेफ्ट की ओर, तो इकाई दहाई सैकड़ा हुआ, तो इकाई ये वाला देखना है। इकाई अंक यदि 2, 3, 7 एवं 8 से शुरू हो तो उसका पूरे पूरे वर्गमूल नहीं निकलता। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ नोटेशन पर। देखिए, अब हम लोग जानते हैं ट्रिक से कैसे बनाते हैं। एक तरफ आप लिख दीजिए यहां पर परिपूर्ण इकाई, परिपूर्ण इकाई मतलब जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके उसे परिपूर्ण कहते हैं, और एक तरफ हम लिख देंगे यहां पर वर्गमूल इकाई मतलब वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या का इकाई अंक आएगा वो। तो देखिए, 2, 3, 7, 8 का तो पूरा पूरा वर्गमूल निकलता नहीं है, इकाई अंक रहता है, तो बच गया क्या संख्या, 1 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया और 9 बच गया, 9। तो ध्यान दिया जाए क्योंकि 2, 3, 7, 8 का तो पूरा पूरा वर्गमूल इकाई अंक रहने पर निकलता नहीं है, तो ध्यान दिया जाए वर्गमूल इकाई क्या हो सकता है। तो देखिए, 1 है तो या तो 1 × 1 = 1 होगा या 9 रहेगा, तो 2 × 9 को गुना करेंगे तो 9×9 = 81 का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से 4 है तो 2×2 = 4 हो जाएगा, वरना या 2×8 रहेगा तो 8×8 = 64 का अंक 4 हो जाएगा। 5 का हर हाल में क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। यहाँ पर 6 देखिए, तो 2×4 गुना करेंगे तो 4×4 = 16 इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6, और नहीं तो 6×2 रहेगा तो 6×36 इकाई अंक क्या होगा, 6। अब देखिए 9 क्या हो सकता है, तो 3×3 करेंगे तो 9 हो सकता है, या 2×7 रहेगा तो 7×7 = 49 अर्थात इकाई अंक क्या होगा, 9 हो सकता है। देखिए, इस पर बढ़िया से विचार कीजिए, अगर इसको आप समझ गए तो याद करने का कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरत नहीं है कि याद करें, बस इसको एक बार दिमाग में बैठा लेना है, फिर ऐसा होगा कि आप वर्गमूल डायरेक्ट मौखिक बना सकते हैं। तो देखिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे विचार करते हैं कि वर्गमूल कैसे जानते हैं। जैसे कि इसमें और एक आप लोग को नोटेशन पर विचार करना है, जैसे जान लीजिए 1 से लेकर 10 तक आपको स्क्वायर आना चाहिए। तो 1 से 10 तक स्क्वायर किसको नहीं याद है, जैसे 1 की स्क्वायर की बात की जाए तो होता है 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना, 100। ये तो हर बच्चा को भी याद रहता है। देखिए, अब लोग हम लोग वर्गमूल बस यही थ्योरी के अनुसार बनाते हैं, जरूरत से ज्यादा आसान हो जाएगा अर्थात समय का काफी बचत होगा। तो देखिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे विचार करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन, यहीं पर देख लेते हैं, हम लोग इसको हटा रहे हैं। जैसे देख लिया जाए, 12 से बड़ा संख्या क्यों ना हो, जैसे कि है 784, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो ध्यान दीजिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे, दाहिने ओर से हम जोड़ा लगाते हैं, तो इसको लगा दिए जोड़ा। अब देखिए, परिपूर्ण की इकाई अंक 4 है तो वर्गमूल इकाई में क्या होना चाहिए, देखिए परिपूर्ण इकाई 4 है तो वर्गमूल में क्या होना चाहिए, 2 या 8 होना चाहिए। इसको आप साइड में लिख लीजिएगा, 2 या 8। अब क्या करना है कि जोड़ा लगाने के बाद जो संख्या बच गया, ये देखिए किसका स्क्वायर है, तो देखिए 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा ना, तो भाग जिस तरह से देते हैं कि ज्यादा मरतबे ना लगे, तो उसी तरह से कहां तक इसका स्क्वायर संभव है, तो देखिए 3 के स्क्वायर 9 ज्यादा हो जाएगा, संभव कहां तक है, तो 2, तो यहां पर लिखेंगे 2, मतलब जितना के स्क्वायर के आसपास रहेगा यहां पर लिख देंगे। और जो ये आ गया संख्या, इसमें 1 बढ़ा के गुना करेंगे, 2 है तो 3 से गुना, 4 रहता तो 5 से गुना,
आठ रहता तो नौ से गुना, नौ रहता तो दस से गुना, तो दो है तो एक बढ़ा के गुना कीजिए तीन से, तो तीन दूना छः, छः आया। तो बताइए छः से ही बारह है कि छोटा, बारह, जब बारह रहे तो बारह वैल्यू लिखा जाएगा, अर्थात इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, अट्ठाईस, यही आपका आंसर हो गया। बारह रहे तो बारह वैल्यू, छोटा रहे तो छोटा वैल्यू। आइए एक और संख्या पे विचार करते हैं, जैसे है 529, तो बस इसमें भी जोड़ा लगा देना है। देखिए परिपूर्ण इकाई 9 है तो वर्गमूल इकाई में क्या आना चाहिए, तीन या सात, तो इसको साइड में लिख देना है तीन या सात। और जो संख्या बच गई किसके स्क्वायर के आसपास है, तब दो के स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे दो, दो के चार होता है, तीन के नौ तो ज्यादा हो जाएगा। अब जो संख्या है एक बढ़ा के, मतलब इससे एक बड़ी संख्या से गुना किया जाता है, तो दो है तो तीन से, तो तीन दूना छह, छह से बताइए ये बड़ा है कि छोटा, तो छह से ही छोटा हो गया, तो छोटा आ गया तो छोटा वैल्यू, यहाँ देखिए बड़ा था तो बड़ा वैल्यू लिखे थे, यहाँ पर छोटा है तो छोटा वैल्यू, अर्थात तीन और सात में छोटा कौन है, तीन, तो इसका आंसर हो गया तीन। बड़ा से बड़ा वर्गमूल भी इससे निकाला जा सकता है। जैसे देखिए और एक प्रश्न पे विचार करते हैं, 1024, इसमें भी आपको क्या करना है कि एक अंक के बाद सॉरी अंक से जोड़ा लगा देना है। अब देखिए परिपूर्ण के इकाइयां चार है, इकाइयां चार है तो वर्गमूल में क्या होना चाहिए, दो या आठ, इसको आपको साइड में लिखना है। अब जो संख्या बच गया तो देखिए किसके स्क्वायर के आसपास है, तो तीन के स्क्वायर नौ, चार के सोलह ज्यादा हो जाएगा, किसके आसपास के है, तो तीन, तो यहाँ पर लिख दीजिए तीन, आ तीन है तो इससे एक बड़ी संख्या से इसी में गुना कीजिए, तो तीन है तो चार से गुना, तो चरती आए बारह, तो बताइए बारह से ही बड़ा है कि छोटा, छोटा, तो छोटा वैल्यू लिखेगा, अर्थात 1024 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 32 आंसर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि बड़ा है तो बड़ा वैल्यू लिख रहे हैं, छोटा है तो छोटा, अगर बराबर आ जाए तो अगर बराबर आ जाए तो आपको बड़ा वैल्यू ही लेना है। आइए एक आध प्रश्न पे और विचार करते हैं, जैसे आ जाएगा 9801, इसको वर्गमूल निकालना है, तो बस बड़ा से बड़ा भी संख्या हो आपको एक ही बार जोड़ा लगाना है। देखिए यहाँ पर हम लगा दिए जोड़ा, और परिपूर्ण इकाई एक है तो वर्गमूल में क्या होगा, या तो एक या तो नौ, देखिए वर्गमूल में एक है तो सॉरी परिपूर्ण में एक है तो वर्गमूल में एक या नौ लिख दिए। अब देखिए 98 जो बचा है किसके स्क्वायर के आसपास है, तो देखिए 9 के होगा स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100, तो 10 के ज्यादा ना हो जाएगा, तो कितना संभव है 9, तो यहाँ पर लिख दिए 9, और 9 है तो इसे एक बड़ी संख्या से गुना कीजिए, अर्थात 10 से, तो 10 नवा 90। अब बताइए 90 से 98 बड़ा है कि छोटा, बड़ा है, बड़ा है तो बड़ा वैल्यू लिखा जाएगा, अर्थात इसका वर्गमूल हो जाएगा 99 होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में कमेंट्स करें, धन्यवाद, सॉरी दोस्तों में शेयर करें।